हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर कि कैसे हमने डेटा को अपडेट करना है विद द हेल्प ऑफ लिंक। और जो कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे वो है लिंक टू SQL, और जो डेटाबेस के लिए हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी वर्किंग आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कैसे आप इजीली जो है इस तरह की एग्जांपल जो है डेवलप कर सकते हैं। तो आपको हेडिंग से पता चल ही गया है कि एग्जांपल किसके रिलेटेड है। ये देखिए, अपडेट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग लिंक और लिंक टू SQL इन ASP.NET C#। तो चलिए यहाँ पे कोई एक रोल नंबर सर्च करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 107, और जैसे ही मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं 107 रोल नंबर के रिलेटेड जो डिटेल है वो फाउंड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं फादर नेम को अपडेट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर नेम सलमान शर्मा, और जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास जो है मैसेज आ चुका है, डेटा हैज़ बिन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो चलिए एक बार फिर से 107 को सर्च करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 107, और जैसे ही मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास जो फादर नेम है वो अपडेटेड हुआ हुआ डेटा जो है रिट्रीव हुआ है। तो इस तरीके की जो एग्ज़ाम्पल है कैसे आपने डेवलप करनी है, मगर इसमें जो मेन जो फंक्शन है वो है लिंक क्वेरी का, और जो मैंने कंपोनेंट यूज़ किया है या क्लास यूज़ की है वो है लिंक टू SQL, जो आपकी लिंक की क्वेरी को SQL सर्वर के कंपैटिबल क्वेरी के इक्वल जो है कन्वर्ट करेगी। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं और इस सॉल्यूशन को ही मैं क्लोज कर देता हूँ, और एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। न्यू वेबसाइट, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल C#। यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट की जो लोकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने PC के ऊपर, जिस जहाँ पे आपका सारा सोर्स कोड जो प्रोजेक्ट का वो सेव होगा। और यहाँ पे मैं फोल्डर का नेम दे देता हूँ अपडेट यूजिंग लिंक। तो चलिए ओके के ऊपर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मेरा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से एक नया ब्लैंक वेब फॉर्म जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पे आप जो है अपने प्रोजेक्ट का जो वेब फॉर्म का नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। और चलिए यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका जो है डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो टूल बॉक्स में से जो पहला कंट्रोल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है लेबल। तो लेबल के ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं लेबल मेरा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदिति स्टडी हब। तो ये जस्ट फ्रेंड्स मैं चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो फॉन्ट है वो भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली कोई ना कोई प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल जो इजी मेथड के साथ इम्प्लीमेंट किया हो वो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। तो चलिए एक और लेबल इंसर्ट करते हैं और उसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिख देते हैं अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग लिंक टू SQL इन ASP.NET और C#। तो चलिए आप चाहें तो यहाँ से इसका जो फॉर कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हम एक इस तरीके का जो एक टेबल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा टेबल, और जो रोज होंगी वो होंगी 5 और जो कॉलम होंगे वो होंगे 2। तो यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ।
चलिए अब जो जितने भी कॉलम्स मैंने यूज़ किए हैं डेटा बेस के अंदर जो टेबल है उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे डेटा कैप्चर करवाने के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल यूज़ करूँगा। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है अपना टेक्स्ट जो है टाइप कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मदर नेम। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और इसका साइज रिसाइज कर देते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बटन को यूज करूँगा। बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब मैं सर्च करने के बाद जो मैसेज प्रिंट करवाना है उसके लिए एक लेबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो है ब्लैंक कर देता हूँ। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं फिर से, और यहाँ पे एक और इसी को कॉपी कर लेते हैं बटन को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से फ्रेश बटन भी ले सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट। अब अपडेट करने के बाद जो मैसेज प्रिंट करवाना है उसके लिए एक लेबल और यूज़ करते हैं, और इसकी भी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ब्लैंक कर देते हैं। अब पूरे इस टेबल को सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसको वन कर देते हैं ताकि इसकी जो लाइंस हैं वो थिक हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं मेरा डिज़ाइन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हमने जो है अपनी लिंक टू एसक्यूएल कंपोनेंट को यूज़ करके उसकी कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ करनी है। मगर कनेक्टिविटी करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस मेरा किस तरीके का है और टेबल किस तरीके का मैंने यूज़ किया है। तो चलिए उसके लिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं। अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू तो काफ़ी इजी रहेगा अगर आप मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मेरे सर्वर का नेम ये देखिए आ चुका है, और मेरी जो ऑथेंटिकेशन है वो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, इसलिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कॉलेज डेटा, और इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो है स्टूडेंट डेटा, और इसका जो डिज़ाइन है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का है ताकि हम कॉपी के ऊपर उसको नोट डाउन कर सकें। चार कॉलम मैंने यूज़ किए हैं, एक है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम। जो रोल नंबर है उसको मैंने प्राइमरी की लिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो डिस्क्रिप्शन है सारी नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ सारा जो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर टेबल के अंदर जो है एंटर कर रखा है। तो इस तरीके का जो टेबल और डेटाबेस आप भी क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर बड़े इजी वे के साथ विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं। अब हमने जो मेन कंपोनेंट ऐड करना है वो है लिंक टू एसक्यूएल। तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ऐड, यहाँ पे ऐड न्यू, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे लिंक, और जैसे ही आप लिंक लिखेंगे दो क्लासेस मेरे पास आ चुकी हैं, दो कंपोनेंट आ चुके हैं, दो आइटम्स आ चुकी हैं। तो इनमें से मैंने सिलेक्ट करना है लिंक टू एसक्यूएल विजुअल सी शार्प, और यहाँ पे हमने डीबीएमएल फाइल का नेम देना है। मैं यहाँ पे डीबीएमएल फाइल का नेम रख देता हूँ स्टूडेंट। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरे पास एक मैसेज आ चुका है कि क्या आप इस फाइल को ऐप अंडरस्कोर कोड के फोल्डर क्रिएट करके उसमें डालना चाहते हैं, तो आपने क्लिक करना है यस। तो ये देखिए मेरे पास जो है डीबीएमएल फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है, और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डिज़ाइनर जो है वो आ चुका है। अब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टेबल इस एरिया के अंदर। तो अपने उस टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा कनेक्शन लिखा है, इसके ऊपर ऐड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने अपने सर्वर का नेम लिखना है।
तो नेम लिखने के बाद हमने जो ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है वो करनी है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, और यहाँ से हमने अपने डेटाबेस का नेम सिलेक्ट करना है। तो अभी डेटाबेस की जो लिस्ट है वो लोड हो जाएगी, और इनमें से मैंने सिलेक्ट करना है कॉलेज डेटा। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं, एक बार कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर से ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरी जो कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ है वो हो चुकी है, कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से टेबल देखते हैं और स्टूडेंट डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं माउस की हेल्प के साथ अपने इस डिज़ाइनर के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं लिंक टू एसक्यूएल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम लिंक क्वेरी को यूज़ करेंगे अपनी कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो है सर्च के ऊपर कोडिंग करते हैं, मगर यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ करना है, तो टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। तो यहाँ पे जो मेरे पास 3 और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो आ चुके हैं। अब चलिए, अब अगर आप चाहते हैं लिंक टू एसक्यूएल है क्या, तो वो भी उसके रिलेटेड भी आप यूट्यूब गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लिंक जो है वो बेसिकली लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी है, एक यूनिफॉर्म मेथड है सी शार्प और VB.NET के अंदर, जिसके थ्रू आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा रिट्रीव करवा सकते हैं, डेटा सेव करवा सकते हैं, डेटा अपडेट करवा सकते हैं, डेटा डिलीट करवा सकते हैं। तो कई बार हमारे पास जो है मिसमैचिंग आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर और डेटाबेसिस के अंदर, मगर जो लिंक है वो एक हमें सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट डेटाबेसिस के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। आपको बार बार डेटाबेस के अकॉर्डिंग अपनी कोडिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आप लिंक के थ्रू जो है डिफरेंट डेटाबेसिस के साथ एक ही कोडिंग के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं। तो चलिए इसके रिलेटेड जो आप काफ़ी थ्रेटिकल जो है वो गूगल से सर्च करके जो है पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जो सर्च के ऊपर कोडिंग करनी है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले 2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करने हैं। तो कोडिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ये सारी कोडिंग की फाइल मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने सर्च के रिलेटेड लाइन बाय लाइन कोड जो है टीच करवाया है आपको, तो वो आप जो है सर्च वाला जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो प्रॉपरली देख लें पहले, फिर ये वाला ट्यूटोरियल आप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 क्लासेस के ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो उनको क्लास के बाद मैंने जो है डिक्लेयर किया है, स्टैटिक इसलिए यूज़ किया है ताकि इसी ऑब्जेक्ट को मैं सर्च बटन के अंदर भी यूज़ कर सकूं और अपडेट बटन के अंदर भी यूज़ कर सकूं। तो चलिए अब जो कोडिंग करनी है वो सर्च के ऊपर करनी है, तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। सिंपल सा कोड है, यहाँ पे मैंने लिंक की जो क्वेरी है वो यूज़ की है। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर तो डेटा सर्च करने पे रिट्रीव होता है तो उसकी जो वैल्यू है वो कोई ना कोई फादर नेम की, मदर नेम की, नेम की, स्टूडेंट के नेम की रिट्रीव होगी, नहीं तो हमारे पास जो है नल रिट्रीव होगा। तो अगर नल रिट्रीव होता है तो हम कहेंगे नो रोल नंबर फाउंड, और अगर हमारे पास कोई वैल्यू रिट्रीव होती है तो उस वैल्यू को हम टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर एम्बेंड करेंगे। तो अब जो कोडिंग करनी है वो हमने करनी है इस अपडेट बटन के ऊपर, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे सॉरी। तो उसके बाद में जो कोडिंग है वो ये सिंपल सी कोडिंग है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने डिक्लेयर किया है ये टेबल कह सकते हो कि वर्चुअल टेबल है, जिसके अंदर वो वाली रो रिट्रीव होगी जो हम सर्च करने के बाद जो है डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे। तो इसको हमने रो को अपडेट करवाने के लिए रो के नेम को टेक्स्ट बॉक्स के नेम के साथ, और फादर नेम को फिर से टेक्स्ट बॉक्स के साथ, और मदर नेम को भी उसके टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो है एम्बेड करके उसको जो उसकी चेंजेस है वो सबमिट करवा देनी है। कहने का मतलब है कि जो डेटा इसके अंदर हम टाइप करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला डेटा सारा हमारा डेटाबेस के अंदर जो है अपडेट हो जाएगा। तो बेसिक जो काम है वो है इस स्टूडेंट डेटा कॉन्टेक्स्ट का। तो स्टूडेंट डेटा कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये DBML की फाइल के अकॉर्डिंगली आपने नेम रखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट बाद में डेटा कॉन्टेक्स्ट,
तो ये मेरे टेबल का नेम है, जो मैंने टेबल का नेम रखा है वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। और उसके बाद में ये जो एस है आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, तो ये भी वेरिएबल की जो नेम है वो भी अपने अकॉर्डिंगली जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बस इतनी सी कोडिंग है, काफ़ी इजी कोडिंग है। तो चलिए प्रोजेक्ट मेरा रेडी है, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं 107, और जैसे ही मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास जो है डेटा रिट्रीव हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मदर नेम को अपडेट करके देख लेते हैं एक बार, और शर्मा अटैच कर देते हैं मदर नेम के साथ। और जैसे ही अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मैसेज मेरा आ चुका है, डेटा हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो एक बार फिर से डेटाबेस से डेटा सर्च करके देख लेते हैं। तो ये देखिए डेटा जो मेरा है वो अपडेट हो चुका है डेटाबेस में लिंक की हेल्प के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ SQL सर्वर के अंदर भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ जो अपडेट हुआ है। तो ये देखिए 107 के अंदर जो है वैल्यूज़ मेरी जो है अपडेट हो चुकी है मदर नेम के अंदर। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स आप जो है लिंक को यूज़ कर सकते हैं अपने SQL के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए, डेटा को अपडेट करवाने के लिए और डेटा को सर्च करवाने के लिए। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं लिंक के साथ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर जो कोई भी आइडिया मेरे साथ जो है आप शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके वीडियो ट्यूटोरियल बना सकूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बाय मेल उसको सेंड कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, आइडियाज़ अपने शेयर करते रहिए। ये वाला आइडिया भी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बाय मेल सेंड किया था, तो मैं इसीलिए लिंक के रिलेटेड जो है वीडियो ट्यूटोरियल जो है इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और इसी तरीके से जो मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो डालता रहूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।